बिग ब्रेकिंग न्यूज, जय किशोरी पसंद आएगा तो खरीदूंगी, गाय की चमड़ी से बने हैंडबैग के इस्तेमाल के आरोप पर क्या बोली जय किशोरी। जय किशोरी अपने महंगे हैंडबैग को लेकर उठे विवाद में सुर्खियों में। अत्याधुनिक वक्ता पर का आरोप है कि उन्हें गाय की चमड़ी से बने महंगे हैंडबैग का इस्तेमाल किया गया। अब जय ने इस पर सफाई दी है। जय किशोरी ने कहा कि कोई ब्रांड को देखकर उसका इस्तेमाल नहीं करता, मुझे जो पसंद आता है मैं केवल वही लेती हूँ। कथावाचक जय किशोरी अपने महंगे हैंडबैग को लेकर उठे विवाद पर सुर्खियों में। अत्याधुनिक वक्ता पर आरोप है कि उन्होंने गाय की चमड़ी से बने महंगे हैंडबैग का इस्तेमाल किया। अब जय ने इस पर सफाई भी दी है। ब्रांड देखकर इस्तेमाल नहीं करती, जय किशोरी ने कहा कि कोई ब्रांड को देखकर उसका इस्तेमाल नहीं करता। आप कहीं जाते हैं और अगर आपको कुछ पसंद आता है तो आप उसे खरीद लेते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी आरोप लगाए गए हैं सच्चाई उसके उलट। जय ने कहा कि यह पूरी तरह से एक कस्टमाइज्ड फैब्रिक बैग है, ना कि चमड़े का बैग है। अपनी तपस्या नहीं तोड़ूंगी, जय ने आगे कहा। मेरे कुछ सिद्धांत हैं, जिनमें से एक यह है कि मैं चमड़े का इस्तेमाल नहीं करती, मैंने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अगर मुझे कुछ पसंद आता है और मैं उसे खरीद लेती हूँ। जय ने आगे कहा कि मैं पिछले 22 साल से पाठ पूजा कर रही हूँ और अब मैं इस तपस्या को तोड़ूंगी नहीं। और ट्रोलर्स को लगाई फटकार, जय ने इसके बाद ट्रोलर्स को फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि अगर मेरी बातें सुनी ही है तो मैं भी हमेशा कहती हूँ कि आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए और पैसा कमाना चाहिए ताकि आप अपने और अपने परिवार के लिए एक अच्छा आरामदायक जीवन जी सके। लोगों को ट्रोल करने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि यह बैग आज का नहीं है, कई साल पुराना है। ये भी आरोप लगाया कि यह कोई पेड पीआर पब्लिसिटी या किसी का एजेंडा हो सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।